जानना चाहूंगा, ये जो गाना आज रिकॉर्ड होने वाला है वो कौन सा गाना है, किस तरह का गाना है, क्या कुछ इस गाने में देखने मिलेगा ऑडियंस को? ये गाना सर बस जैसे कि हमेशा सा मेलोडी सॉन्ग ऑलवेज हिट रहा है और हर आदमी अपने जानिब से कोशिश करता है कि वो अच्छे ही करे, तो हमने भी वही कोशिश की है। बहुत रोमांटिक गाना और बहुत मेलोडी सॉन्ग है और थोड़े एक नए अंदाज़ में इसको पेश कर रहे हैं। बहुत उम्मीद है कि ईश्वर इसे कामयाब करे, जनता के दिलों को छू पाए। सर जी थोड़ा सा अगर गाने के बारे में हमें बताएं, किस तरह का गाना है ये? जी बस ये अब तो नहीं बता सकते क्योंकि अभी चल ही रहा है, इसके लिरिक्स पे भी काम चल रहा है और काफ़ी कुछ मतलब इस पे प्रोसेस हो रहा है। बहुत जल्द ये आपको बीट सॉन्ग के ज़रिए से आप सुन सकते हैं और इसे बहुत इंशाल्लाह पसंद करेंगे। हम सब की कोशिश है, हमारे कोरियोग्राफर हेंगरे साहब और हमारे सर लिरिक्स राइटर प्रदीप राज जी और हमारे रवि हटके रवि हटके साहब, बस हम सब की टीम है, हमारे अशोक जी, हम सब मिलके कोशिश कर रहे हैं और भी आर्टिस्ट इसमें कोशिश कर रहे हैं। सब लोग अपने अपने लेवल से अच्छी कोशिश कर रहे हैं। बस जनता जनार्दन से निवेदन है कि हम सबका हौसला अफजाई करें और बस अपना आशीर्वाद और अपनी ब्लेसिंग हमें दें। रवि जी, आपसे जानना चाहूंगा, ये जैसे हमने पहले भी आपको पूछा था कि गाने बहुत सारे आने वाले हैं आपके प्रोडक्शन से, ये किस तरह का गाना है, कहाँ पे शूट होने वाला है, क्या कुछ सोचा है अपने स्टार कास्ट के बारे में, इस गाने में किसको आप जो है चांस देने वाले हैं? अभी हमने कुछ स्टार कास्ट के बारे में सोचा नहीं क्योंकि गाना अभी पूरा पक्के नहीं आया है। अभी नया सर जी है हमारे, वो अगर गाना गाए, वही खुद ही म्यूजिक डायरेक्टर है, खुद ही लिरिक्स है और खुद ही सिंगर है। अभी इनका गाना जब बाहर आएगा तो उसके ऊपर हम लोग वर्क करेंगे कि कास्टिंग किस तरह से करनी चाहिए और इसके लिए लोकेशन कौन सा होना चाहिए। बट अभी जिस तरह से हम लोग सुन रहे गाना उनका, तो एकदम रोमांटिक फील है और बहुत तड़क पड़क रोमांटिक है। एज अ कोरियोग्राफर क्या कुछ प्लान किया है आपने? प्लानिंग तो हम लोग ने जस्ट एक मन ऐसा थोड़ा थॉट सोचे है कि समुंदर किनारे होना चाहिए, कुछ ऐसे वादियों के बीच में गाना होना चाहिए। बट अभी जब ये पूरा पक्के आने के बाद या पूरा तैयार होके आने के बाद फिर एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे इस गाने पे बैठ के सारी टीम, और फिर बाद में फिल्म आने के बारे में बताएंगे आपको बहुत जल्दी। सर आप बताइए, कैसे जुड़े हैं आप इस गाने के साथ और क्या कुछ नया देखने मिलेगा? हम जुड़े हैं मतलब गाने के लिए, हम भी लिखते भी हैं, म्यूजिक भी करते हैं, सब एक टीम है और एक चैनल के लिए भी सॉन्ग के लिए हम लोग कर रहे हैं और अलग अलग थोड़े हैं, अलग अलग लोगों की सोच है और अच्छे अच्छे लोग बना रहे हैं गाना, हम लोग भी अच्छे अच्छे कर रहे हैं और अच्छे सब हो ही रहा है, अभी गाने अच्छे अच्छे बन रहे हैं, रिकॉर्ड भी कुछ हुए हैं। सर आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे मैंने स्टारकास्ट की बात की, आप लोगों ने लास्ट टाइम आपकी टीम ने कहा था कि हम जो है नए लोगों को भी चांस देने वाले हैं, तो उस बारे में आप लोगों ने क्या सोचा है, अगर आप तीनों में से कोई भी? नहीं बिल्कुल, क्योंकि ये जो म्यूज़िक कंपनी हमारी खुली है बीट सॉन्ग, वो सच में सारे टैलेंटेड लोगों के लिए ही ये आगाज़ हुआ है, जो गाने में, बजाने में, लिखने में, सुनने सुनाने में अगर वो डिज़र्व करता है तो आपको बीट सॉन्ग के ज़रिए से अच्छा मौका, अच्छी अपॉर्चुनिटी हर एक टैलेंटेड बंदे को मिलेगा। मैं सबको दावत दूंगा कि हमारे लिंक को देख के वहाँ को फॉलो करें और इंशाल्लाह जो भी उनका बेस्ट है वो हमारी कंपनी को भेजें, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद करेंगे, क्योंकि इसी के ज़रिए से आवाम तक, आवाम के कानों तक, आवाम के दिलो दिमाग तक पहुंचना है, जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म बीट सॉन्ग ने हमें दिया है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं बीट सॉन्ग के, जिन्होंने हर एक अच्छे आर्टिस्ट को मौका दिया है अपना अच्छे से अच्छा काम दिखाने का। सर आप क्या कहना चाहेंगे, कौन से चैनल पे ये जो सॉन्ग है उसको रिलीज़ किया जाएगा? बीट सॉन्ग ये खुद का चैनल है यूट्यूब का और काफ़ी अच्छा पिक्चराइज होगा, तो तुम्हें हर टीवी चैनल, म्यूजिक चैनल पे दिखने मिलेगा। और नया जी ने इतना खूबसूरत गाया है इसको जी, ये तो अभी वोकल वापस से फिर से कर रहे हैं, लेकिन इसको बहुत ही प्यारा सा देखेगा तुम, उनको गाते वक्त फील पूरा नज़र आता है कुछ। बस यही है कि बेसिकली तो मैं कंपोज़र ही हूँ, कई सारे एल्बम, कई सारे फिल्में कोशिश की है, देखा है, लोगों ने सुना है, पसंद किया है, कोशिश चलती ही रहती है, जितना कर रहे हैं उतना ही और सीखने मिल रहा है। तो बस बीट सॉन्ग में भी समझिए कि एक नए अंदाज में फिर से कोशिश करने में भी एक सीखने का तजुर्बा मिल रहा है। तो बस यही मैं निवेदन करूँगा आप सब जनता जनार्दन से कि हमें दिल से और दिमाग से दोनों जगह से सुने
और अपना आशीर्वाद हम सबको दीजिए जी, क्योंकि जनता ही जीरो से हीरो बनाता है और हीरो से जीरो बनाता है। तो जनता जनार्दन से तहे दिल से मेरी दुआ है, इल्तिजा है। इस गाने का टाइटल सॉन्ग भी मैं वही कर रहा हूँ, इल्तिजा है। तो बिली मेरे जनता जनार्दन, इल्तिजा है, आप इस इल्तिजा को और बाकी के लोगों की इल्तिजा ज़रूर कबूल कीजिए। लास्टली इसके बाद क्या प्लान्स है आप लोगों के, कौन से गाने आप लोगों के आने वाले हैं, एक एक करके आप लोग बताएं जी। इसमें ऐसा है सर कि हर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत से लोगों को मौका मिल रहा है, तो इसमें कुछ लोगों रैप गा रहे हैं, फुल रैप मूड है, हिप हॉप थोड़ा मसाला है, कुछ बिल्कुल फोक स्टाइल में कर रहे हैं जो हमारे यूपी नॉर्थ के लोग पसंद करते हैं, इवन अब तो इंटरनेशनल लेवल पे लोग पसंद करते हैं, मुन्नी शीला है ना, लाइक इस लेवल पे लोग कर रहे हैं। हमारे पास भी वही उन सब का निचोड़ मिक्स करके एक मसाला हमने भी कोशिश की है, और भी कुछ रोमांटिक है, कुछ रॉक है, कुछ हिप हॉप है, जो बिरादरी जो सुनना चाहता है हमारे पास वो सारे टैलेंटेड बंदे हैं जो कोशिश कर रहे हैं बीट सॉन्ग के ज़रिए से आवाम तक पहुँचने की। रवि जी आपके आगे क्या प्रोजेक्ट्स हैं? मेरे आगे तो अभी यही सारे प्रोजेक्ट हैं, इनके गाने कर रहा हूँ, बाकी और भी करते रहता हूँ, बट ये कंपनी ऐसी है ना जो बीट सॉन्ग जो नए लोगों को ब्रेक दे रही है, उनके टैलेंट को ढूंढ रही है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा बीट सॉन्ग पे फोकस कर रहा हूँ। सर आपके क्या प्लान्स हैं, क्या हैं? चार पाँच गाने हैं हमारे भी आने वाले हैं, और रिकॉर्डिंग चालू है, मास्टरिंग भी हो रही है, धीरे धीरे सब आ जाएगा। 20-25 गाने हैं लाइन से और आएंगे, और अच्छे आएंगे सब गाना। बीट सॉन्ग पे आपको हर तरह के गाना सुनने को मिलेगा जी। बस आप सब से निवेदन है मेरी कि आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए हमारे बीट सॉन्ग के लिए, और पूरी तरीके से हमें सपोर्ट चाहिए। इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दिल से दुआएं दीजिए। कब तक रिलीज हो करने का प्लान है सॉन्ग जी? सॉन्ग तो अभी बस ये इनका रिकॉर्ड हो जाए, मास्टरिंग हो जाए, नेक्स्ट मंथ से शूटिंग हो जाएगा, वीडियो करने के लिए चालू हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ से। ओके। और अगर दो लाइनें हो जाए हमारी ऑडियंस के लिए, सिर्फ दो ही लाइनें गाना है, तो फिर थोड़ा कॉपीराइट का इशू। हाँ, बस वही है कि एक आइडिया ही तो लोगों को चाहिए होता है, बाकी सब अच्छे अच्छे टैलेंटेड वही तो हैं। हाँ। जिनको आइडिया ही मिल जाता है तो वो पूरा अंजाम दे देते हैं। तो मैं दूसरा गाना गाना जी, मेरा एक गाना आया था सर अभी, एक फिल्म आई थी हमारी जेड प्लस, सुखविंदर सिंह जी और मैंने दोनों ने उस पिक्चर को म्यूज़िक किया था, और डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी डायरेक्टर थे उस फिल्म के, जी प्रोडक्शन की फिल्म थी, तो उसमें एक गाना बड़ा अच्छा है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। हाय, मेरा नाम जॉन सिंह है, और मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेट्स कहना चाहूँगा बीट सॉन्ग कंपनी को, और उसमें मैं एज ए वीडियो एडिटर काम कर रहा हूँ, और मैंने सॉन्ग सुने हैं, काफ़ी सिलेक्टिव सॉन्ग्स हैं, मतलब अच्छे अच्छे सारे सॉन्ग सेलेक्ट करके रखे हुए हैं, और बहुत जल्दी एक एक करके हम उसका वीडियो बनाएंगे, और हमारे साथ रवि हटके जी हैं जो बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, और सारे के सारे गाने ये वीडियो को डायरेक्ट करेंगे, कोरियोग्राफ करेंगे। सो सर क्या कहना चाहेंगे जो सॉन्ग्स हमने सुने ना? बस वीडियो मुझे करना है, एडिट आपको करना है। जी जी। और बहुत अच्छे एडिटर है, बहुत सुपर एडिटर, जो बीट्स का जो नॉलेज होता है कटिंग का, पूरा प्रॉपर कट करते और बराबर सेट करते इस गाने को, तो बाकी का काम इनका होता है, मैं शूटिंग करके आने के बाद उसे सही ढंग से सजाना, ये इनका काम होता है जीवन भाई का। ठीक है, आप लोग प्रेम दीजिए जितना हो सके, आप सब्सक्राइब कीजिए बीट सॉन्ग को, और आने वाले टाइम पे जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। सबसे पहले आपके कैमरा कितने एक्साइटेड है कोलैबोरेट करने के लिए बीट सॉन्ग के साथ? हेलो एवरीवन, आई एम काजल तिवारी। हम बहुत जल्द बीट सॉन्ग के साथ में मैं एक म्यूजिक एल्बम करने वाली हूँ, जो बहुत ही जल्दी आप सबको देखने मिलने वाला है हमारे टीवी पर और बीट सॉन्ग म्यूजिक कंपनी के यूट्यूब चैनल पर, राइट? और इससे कोरियोग्राफ कर रहे हैं हमारे सर रवि हटके सर। एक्साइटेड तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ, और उससे कहीं ज़्यादा नर्वस भी हूँ, बिकॉज जब आप कोई भी नया काम करते हो तो नर्वस तो थोड़ा होते हो, क्योंकि वो सबसे हटके होता है, हर एक नई चीज़ आपके लिए हटके होती है, तो उसमें एक आर्टिस्ट को उस कैरेक्टर को अपने आप में डालना करना,
तो थोड़ा तो नर्वस हूँ। इसके अलावा कोई अपकमिंग हाँ बहुत जल्द बहुत सारी चीज़ें तो आने वाली है, बट अभी बहुत जल्द एक सीरीज़ है जो अमेज़न प्राइम पर लॉन्च होने वाली है मेरी, और जस्ट कुछ दिन पहले ही रेड प्राइम के लिए भी मैंने सीरीज़ की है कॉमेडी। सो अभी बहुत जल्द बहुत कुछ आने वाला है। बाकी सर कहेंगे, रवि सर क्या कहना चाहेंगे, काजल कैसे ऑन बोर्ड आई, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। काजल जब आई थी ऑफिस में तो वो गाना जस्ट मैंने 10-15 मिनट सुना था पहले ही, जो रिकॉर्ड होके आ चुका हमारे पास, तो पूरा वो उस गाने पे पूरा फिट हो रही थी, मतलब वो गाना ऐसा लगा कि उसके ऊपर ही बना हुआ है। ओ मतलब मतलब मैं गाना सिर्फ मेरे लिए बना है, वो हॉट सॉन्ग ही और काजल हॉट ही। थैंक यू। डांस भी इसका बहुत अच्छा है कि देखा चुलबुली टाइप में है वो, और उसके लिए वो गाना एकदम फिट बैठ रहा है, और बहुत जल्दी तुमको काजल दिखेगी उस सॉन्ग के साथ में। मतलब वो सॉन्ग मेरे लिए और मैं उस सॉन्ग के लिए ही बनी हूँ, राइट? जो सॉन्ग की बात कर रहे हो, कब शूट शुरू होने वाला है, थोड़ा सा अगर उस बारे में बताएं और कहाँ शूट होने वाला है? ये सॉन्ग हम लोग गुजरात में कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ में, इसके पहले भी एक सॉन्ग है वो शूट करने के बाद सेकेंड नंबर पर इनका गाने का सॉन्ग का शूटिंग है। तो पूरा अच्छा एकदम तामझाम है, डांसर्स के साथ इनको आप देखने मिलेंगे, पीछे डांसर्स है और मेन लीड में काजल है, और उनके साथ मॉडल अभी डिसाइड नहीं हुआ कि मिल नहीं हुआ है प्रॉपर, तो शायद 2 दिन में वो मॉडल भी फाइनल हो जाएगा, वेल मॉडल। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।